वापी का हादसा आज बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। उसमें जो अभी हमें पता चला है कि दो व्यक्तियों की मौत भी हो गई है और एक की इंजरी है, और जिनकी इंजरी है उनको वलसाड के सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया है। और हमारे जो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं वो गए भी हैं और उन्होंने वहाँ से कंफर्म किया है कि वो खतरे से बाहर हैं। और ये है हादसा होने की वजह तो ये थी कि जो लोग हैं वो प्लेटफॉर्म साइड में नहीं उतर करके दूसरी साइड में उतर रहे थे। ये मेन लाइन है, यहाँ पर गाड़ियाँ द्रुत गति में आती जाती हैं। तो और जैसा भी आप अभी सुन भी रहे हैं कि बराबर अनाउंसमेंट होता रहता है कि भाई आप जिस साइड में जो सही जगह है वहाँ पर उतरें। लेकिन अब कुछ ऐसी संयोग की बात है कि वो उसी क्षण में उतरे जब ये दूसरी गाड़ी गुजर रही थी, और उनको उस साइड में अगर वो उतरते तो इस तरह की कोई घटना नहीं होती। स्टेशन पर जिन लोगों को ये पता चला है बहुत दुख का माहौल है। इनके परिवार जनों से भी मैं मिलकर के आ रहा हूँ। एक बच्ची थी, एक युवक था, उस युवक के पिता से मैं मिलकर आ रहा हूँ, उस बच्ची की मदर से मिलकर आ रहा हूँ, उस बच्ची की मामा जी से मिलकर आ रहा हूँ। तो एक जीवन अब बिल्कुल शुरू हो रहा हो और एक क्षण में वो चला जाता है, बुझ जाता है, तो जो किसी के हृदय पे गुजरती है वो मैं भी समझ सकता हूँ। और उसमें एक उम्र होती है, इसमें मैं आपके माध्यम से सभी को अपील भी करना चाहूँगा, खास करके जो एबल वर्ग है, युवा वर्ग है, इनको थोड़ा ये लगता है कि अच्छा मैं तो फटाफट दूसरी साइड पे चला जाऊंगा, ऊंची से प्लेटफॉर्म पे चढ़ जाऊंगा, गाड़ी तेज आ रही है लेकिन फिर भी मैं निकल जाऊंगा। तो उनसे मेरी आप लोगों के थ्रू अपील भी है कि वो कृपया इस दुर्घटना के बारे में सुने, समझें और ये ख्याल रखें कि दुर्घटना के लिए एक क्षण भी गलत कितना होता है और इसके बाद जो परिवारजन हैं उनके ऊपर कितना दुख होता है, कितने दुख से वो गुजरते हैं और किस तरीके से वो माता पिता लाचार हो जाते हैं, अपने बच्चों को याद करते हैं। इन सब का ख्याल करते हुए मैं आपके माध्यम से सबको अपील करना चाहूँगा कि वो गलत साइड में नहीं उतरे। रेलवेज आपके लिए है, रेलवेज आपको अपने गंतव्य स्थान पर, आपके नौकरी के स्थान पर, आपके परिवारजनों से मिलाने की जगहों पर ले जाने के लिए है। तो वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल करें और जो छोटी छोटी सावधानियां हैं उसको जरूर बरतें।